आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताजा खबरों की ओर। पीएम मोदी ने तय किया जम्मू कश्मीर का फ्यूचर प्लान। 70 केंद्रीय मंत्री करेंगे राज्य का दौरा। जी हां, 24 जून को पीएम मोदी की अध्यक्षता में लंबे समय के इंतजार के बाद कश्मीर मुद्दे पर स्थानीय नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने कहा था कि जल्द वो चाहते हैं कि राज्य को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो और यहाँ पर चुनाव हो। इस पर अब एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। खबरों की माने तो फिर से राज्य में चुनाव कराने और पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने को लेकर मोदी सरकार के दर्जनों केंद्रीय मंत्री घाटी का दौरा कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 70 केंद्रीय मंत्री राज्य दौरे पर इसी महीने सितंबर में आ सकते हैं। इनका उद्देश्य यहाँ की जनता के साथ सीधा संबंध स्थापित करना है, वहाँ की जमीनी हकीकतों को समझना और इसकी समीक्षा करना है। खत्म हो जाएंगे लोकसभा और राज्यसभा टीवी। पीएम मोदी इस महीने लॉन्च कर सकते हैं संसद टीवी। जी हाँ, पीएम मोदी इस महीने लोकसभा और राज्यसभा टीवी के एकीकृत प्रसारक संसद टीवी को लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी दोनों ही लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं, जो मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गजों और केंद्रीय मंत्रालयों के विज्ञापनों पर चलती है। लोकसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 15 सितंबर तक टीवी चैनलों का उद्घाटन करने की संभावना है, लेकिन निश्चित रूप से चैनल 2 अक्टूबर से पहले चलना शुरू हो जाएंगे। बिग बॉस फेम और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट बनी एसडीएम आयुष सिन्हा की ढाल। जी हां, बिग बॉस फेम और भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट अक्सर सुर्खियों में रहती है। पहले एक अधिकारी को पीट कर सुर्खियों में आई थी और अब एक अधिकारी की तरफदारी कर सुर्खियों में आई है। करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा की आंदोलनकारियों को सिर फोड़ने संबंधी वीडियो वायरल होने के बाद जिस तरह उस आईएएस अधिकारी के विरुद्ध मोर्चाबंदी हुई है, उसमें सोनाली फोगाट एसडीएम की ढाल बनकर खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि सोनाली हर बार की तरह इस बार भी फेसबुक पर लाइव आई और एसडीएम के आदेश को पूरी तरह जायज ठहराते हुए कह दिया कि यदि कोई गलत करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए। एसडीएम ने ऐसे आदेश देकर कुछ भी गलत नहीं किया है। हरियाणा एक्सप्रेस ने अब बिना रिजर्वेशन सफर करे, रेलवे ने हटाई पाबंदी। जी हाँ, हरियाणा एक्सप्रेस से गुरुग्राम व दिल्ली के लिए यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। रेलवे ने कोरोना काल में लगी पाबंदियां हटा दी है और अब हरियाणा एक्सप्रेस ने बिना टिकट रिजर्व करवाए भी सफर कर सकेंगे। ऐसे में अब लोग पहले की तरह स्टेशन में टिकट काउंटर के सामान्य टिकट को लेकर यात्रा कर सकेंगे। इस फैसले से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी, कोसली, रेवाड़ी, गुरुग्राम के लोगों को फायदा होगा। हालांकि ट्रेन में 2 AC चेयर कार कोच की भी सुविधा है, जिसके लिए टिकट बुक करवा सकेंगे। हरियाणा में अतिथि अध्यापकों के लिए बड़ी खुशखबरी। पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर 11% बढ़ाया मानदेय। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे करीब 14,000 अतिथि अध्यापकों को अब ज़्यादा मानदेय मिलेगा। प्रदेश सरकार ने मानदेय में 11% बढ़ोतरी की है। तो वहीं PGT शिक्षकों के मानदेय में 4,439, मास्टर एवं भाषा अध्यापकों के मानदेय में 3,699 और JBT शिक्षक के मानदेय में 3,205 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बढ़े हुए मानदेय का लाभ इस साल की 1 जुलाई से मिलेगा। तो वहीं स्कूल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण करीब 1.5 साल से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ नहीं दिया जा सका था। गुरुग्राम, फरीदाबाद, हरियाणा सहित वहाँ पर के मॉडल संस्कृति स्कूलों में मुफ्त पढ़ेंगे अति गरीब परिवारों के बच्चे। जी हाँ, हरियाणा में विद्यार्थियों को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के मकसद से बनाए गए मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अब परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत सत्यापित अति गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। इन स्कूलों में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी शिक्षा मिलेगी। ये निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मॉडल
संस्कृति स्कूलों की प्रगति समीक्षा बैठक में लिया गया है। बैठक में शिक्षा मंत्री कुंवर पाल गुर्जर शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इन स्कूलों की निरंतर प्रगति के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में जाकर स्कूलों का दौरा करने और हर महीने समीक्षा के लिए निर्देश दिए। हरियाणा में आपस में उलझे किसान संगठन, मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत पर उठाए सवाल। जी हां, मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को आहूत महापंचायत पर हरियाणा के किसान संगठनों ने सवाल उठाए हैं। इन संगठनों का कहना है कि पहले से ही हरियाणा में की गई महापंचायतों ने आंदोलन को कमज़ोर कर दिया। बाद में संयुक्त मोर्चा ने ही पंचायतों का आयोजन न करने का निर्णय लिया था, मगर अब मुजफ्फरनगर में फिर से आयोजन होना मोर्चा का फैसला पलटने जैसा है। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता जगबीर घोसला ने कहा कि पंजाब के मोगा में वहां की सरकार के निर्देश पर पुलिस द्वारा किसानों पर की गई बर्बरता निंदनीय है। पूर्व मंत्री चौधरी चरण सिंह व लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि देश की तरक्की का रास्ता खेत खलिहान से ही होकर गुजरता है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने 6 दिन टाली गल पंजाब दी यात्रा। सुखबीर ने कही संयुक्त किसान मोर्चा के सामने पेश होने के बाद। जी हाँ, मोगा रैली में पुलिस और किसानों की झड़प के बाद बिगड़े माहौल को शिरोमणि अकाली दल ने भुराने की पूरी कोशिश की। सुखबीर बादल ने शुक्रवार को अपने गल पंजाब दौरे को टाल दिया। असल में आज ही किसानों की तरफ से ये मांग की गई थी कि जब तक दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है तब तक पंजाब के राजनेता जनसभाएँ ना करें। इसके बाद चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुखबीर ने अपने प्रोग्राम को स्थगित करने का ऐलान किया। अब पार्टी का यह अभियान 10 सितंबर से अमलों में से दोबारा शुरू होगा। पंजाब में हाईकमान के झटके के बाद संगठन मजबूती में जुटे सिद्धू। परगट सिंह के घर पर 3 कार्यकारी प्रधानों के साथ की बैठक। जी हाँ, पंजाब कांग्रेस में मची कलह थम नहीं रही है। शुक्रवार को कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में विधानसभा के स्पेशल सत्र में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ में ही संगठन महासचिव विधायक परगट सिंह के घर पहुंच गए। यहां उनके साथ ही कार्यकारी प्रधान कुलजीत नागरा, संगत सिंह गिलजिया व सुखविंदर डैनी भी शामिल है। हालांकि बैठक में किस संबंध में रखी गई है इसके बारे में कोई नेता कुछ नहीं कह रहा है। इसे संगठन के गठन से जोड़कर देखा जा रहा है। फिरोजपुर मंडल ने 10 ट्रेनों का किया संचालन। जी हाँ, आपको बता दें कि ट्रेनें बंद होने से परेशान यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रेलवे के फिरोजपुर मंडल ने शुक्रवार से 10 नई ट्रेनें चलानी शुरू कर दी है। इनमें 8 तो डेमू के अलावा एक पैसेंजर वो नैरो गेज एक्सप्रेस भी शामिल है। इन ट्रेनों के शुरू होने से पंजाब के अलावा बैजनाथ व जम्मू जाने वालों को भी फायदा मिलेगा। कोरोना लॉकडाउन और किसान आंदोलन की वजह से रेलवे यातायात काफ़ी ज़्यादा बाधित हो रहा है, जिसे अब दोबारा ट्रैक पर लाया जा रहा है। अब तक फिरोजपुर रेलवे मंडल की तरफ से 52 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी है। हालांकि अभी तक लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेनें ही चलाई जा रही है, जिनमें लोग सिर्फ रिजर्वेशन के जरिए ही सफ़र कर सकते हैं। इस वजह से सामान्य टिकट पर सफ़र करने वालों की मुश्किलें बरकरार है। हरियाणा के सोनीपत के अलावा JEE मेंस के अन्य परीक्षा केंद्रों में भी गड़बड़ी के संकेत। जी हाँ, JEE मेंस की परीक्षा में सोनीपत स्थित परीक्षा केंद्र के अलावा कुछ अन्य केंद्रों पर भी गड़बड़ी होने के संकेत मिले हैं। CBI के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार छापे में मिले दस्तावेजों और गिरफ्तार आरोपियों की पूछताछ से पता चला है कि इस गिरोह के शिकार कुछ अन्य छात्र सोनीपत के अलावा दूसरे परीक्षा केंद्रों पर भी परीक्षा दे रहे थे, जिनका कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस से लेकर दूर बैठा सॉल्वर सवालों का जवाब दे रहा था। इस मामले में CBI ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 को अदालत में 9 सितंबर तक CBI की हिरासत में भेज दिया है। पैरा एथलीट आर्चर हरविंदर सिंह ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। हरियाणा सरकार देगी 2.5 करोड़ का इनाम। जी हाँ, हरियाणा के कैथल जिले के अजीत नगर में रहने वाले हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक में आर्चर यानी कि रिकर्व व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। वो ऐसे पहले खिलाड़ी है जिसने पैरालंपिक में आर्चरी में मेडल जीता है। प्रदेश सरकार की तरफ से हरविंदर को 2.5 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है। पैरा
एथलीट आर्चर हरविंदर सिंह ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। हरियाणा सरकार देगी 2.5 करोड़ का इनाम। जी हाँ, हरियाणा के कैथल जिले के अजीत नगर में रहने वाले हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक में आर्चर यानी कि रिकर्व में व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल जीत कर देश का नाम रोशन कर दिया है। वो ऐसे पहले खिलाड़ी है जिसने पैरालंपिक में आर्चरी में मेडल जीता है। प्रदेश सरकार की तरफ से हरविंदर को 2.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल, खेल मंत्री संदीप सिंह ने हरविंदर को बधाई दी है। हरविंदर 6 सितंबर को टोक्यो से वतन लौटेगा। तो वहीं हरविंदर सिंह इन दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में इकोनॉमिक्स में PhD कर रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के 4 नेता 6 साल किए हुए निष्कासित। जी हाँ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों के खिलाफ चलने, अनुशासनहीनता और लापरवाही के आरोप में 4 स्थानीय नेताओं पर कड़ी कार्यवाही की है। भाजपा की प्रदेश इकाई ने 4 भाजपा नेताओं को पार्टी से 6 साल लिए निष्कासित कर दिया है। निष्कासित नेताओं में भिवानी जिले से 3 हैं जबकि 1 गुरुग्राम से है। भिवानी से पवन धनगस, अशोक तिगड़ाना और सुनील चौहान है। तो वहीं गुरुग्राम से कुलभूषण भारद्वाज को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पंजाब में कुवैत भेजने के नाम पर एजेंट ने 15 युवकों से 12 लाख रुपए ठगे। जी हाँ, कुवैत भेजने के लाखों रुपयों की ठगी मारने का आरोपी एजेंट अपने दफ्तर में ताला लगाकर अंडरग्राउंड हो गया है, जिसके चलते दर्जनों युवक थाना मॉडल टाउन में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे। एजेंट पर 40 युवकों से ठगी का आरोप है, जिसमें से 15 शुक्रवार को उसके दफ्तर में अपनी टिकट लेकर कंफर्म करने पहुंचे थे, लेकिन जब ये एजेंट के दफ्तर में ताला लगा हुआ मिला तो उनके होश उड़ गए। एजेंट ने यहाँ पहुँचे करीब 15 युवकों से 12 लाख रुपए से अधिक की ठगी मारी है। इस दौरान एक युवक ऐसा था जिसको एजेंट ने आज की फ्लाइट बताई थी। मनीष नरवाल, सिंगराज अडाना का धमाका, भारत को एक साथ दिलाया गोल्ड और सिल्वर मेडल। जहां जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जा रहे पैरालंपिक खेलों में शनिवार का दिन भारत के लिए बेहद खास रहा। यहां भारत के मनीष नरवाल और सिंगराज ने शूटिंग के P4 मिक्स्ड और 50 मीटर पिस्टल SH1 में क्रमशः गोल्ड और सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा बैडमिंटन में प्रमोद भगत और सुभाष यतिराज ने फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया। तो वहीं बैडमिंटन मेन सिंगल्स के SL3 क्लास के सेमीफाइनल में प्रमोद ने जापान के दाइसुके फुजिहारा को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। तो वहीं सुवास ने SL4 क्लास के सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के सोतियावान फ्रेडी को सीधे गेमों में हरा दिया। अब तक ये बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।